तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास में है जुपिटर का या फ्यूल पंप, एक है प्रिकॉल कंपनी का और दूसरा है कॉन्टिनेंटल कंपनी का, और मैं लगाने जा रहा हूँ इस जुपिटर के अंदर। ये जो खड़ा हुआ है मेरे पास में इस जुपिटर के अंदर, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको लगाना है। अगर कॉन्टिनेंटल का आपने निकाला है तो क्या करना है, प्रिकॉल का अगर आप उसमें लगा रहे हो तब क्या करना है, और उसी कंपनी का जिस कंपनी का आपने निकाला है अगर उसी कंपनी का आप लगा रहे हो तब क्या करना है आपको। तो वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस गाड़ी में मुझे टैब भी लगानी पड़ सकती है, बहुत लोगों ने टैब की मांग की थी कि आप TVS की टैब लगा के दिखाइएगा, तो इस गाड़ी में टैब भी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि टैब ही इस फ्यूल पंप को चलाएगी। करंट आता रहेगा फ्यूल पंप के अंदर, लेकिन फ्यूल पंप काम नहीं करेगा जब तक हम टैब नहीं लगाएंगे। तो इसलिए वीडियो पे बने रहना ज़रूरी है आप लोगों का इस समय, तो देखते रहिएगा वीडियो। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये हमारा इश्यू लगा हुआ है। इश्यू को जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे टैब से, ये इश्यू आगे इसको इजाज़त नहीं देगा फ्यूल पंप को कि तुम चलो। टैब से हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, तभी जाके फ्यूल पंप जो यहाँ लगेगा। अब इसमें पेट्रोल पड़ा हुआ है, मैंने कपड़ा लगा रखा है ओढ़े ना, जो यहाँ फ्यूल पंप लगेगा। इश्यू तभी इसको संकेत देगा जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे टैब से। TVS राइड स्कैन हम जब इसको करेंगे, राइड स्कैन टूल से स्कैन करेंगे, तभी आगे ऑयल उठाएगा, फ्यूल उठाएगा यानी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। एक वीडियो मैंने और बनाई थी इसी चीज़ के ऊपर, टैब लगाने के ऊपर, लेकिन मैं इसमें पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा टैब लगाने का। उसमें हाफ प्रोसेस मैंने दिखाया था। तो ये वाला सामान आपको पुराने फ्यूल पंप का लगाना पड़ेगा। खाली फ्यूल पंप ऐसे आता है, लेकिन इसके नीचे आपको पहले तो ये लगानी है प्लेट। और उसके बाद आपको ये रबड़ लगानी है, इसमें आप खांचे देख सकते हो बने हुए, इस तरफ से लगानी है आप। और ये फ़िल्टर दोस्तों हर 24,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना है। यहाँ से निकलता है, इसके लोग जो फंसे हुए हैं, हर 24,000 पे जो भी BS6 बाइक होगी 24,000 पे उसका फ़िल्टर चेंज होगा। ये ऊपर से आपको इसको लगाना है, ये हमारा लग चुका है। और इसमें लगानी है हमें रबड़ में वाशर यहाँ पे। तो मैं इसको लगा के फिट करके थोड़ी वीडियो कट करता हूँ, लगा के फिट करके मैं तब दिखाता हूँ। तो मैंने फ्यूल पंप लगा दिया है, वाशर वगैरह लगा के अच्छे तरीके से तब आप इसको फिट करें। पार्ट नंबर है इसका K3140870। मैं दिखाता हूँ टाइट करके इसको, और फिर उसके बाद देखते हैं टैब लगाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर हम दूसरी कंपनी का डाल रहे हैं, जिस कंपनी का निकला है उससे अलग कंपनी का डाल रहे हैं, तो 100% टैब लगानी पड़ेगी हमें। लेकिन इसमें से मैंने प्रिकॉल का ही निकाला था, तो प्रिकॉल का ही लगा रहा हूँ इसमें, तब शायद टैब की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन पड़ भी सकती है। अगर पड़ी तो मैं पूरा प्रोसेस आपको टैब का दिखाऊंगा किस तरीके से टैब काम करती है। दोस्तों, ये मैंने पूरा पंप कंप्लीट कर दिया है, और अब इसकी लगानी है मैंने वायर, फिर उसके बाद देखते हैं ये फ्यूल उठाता है कि नहीं। अगर फ्यूल इसने उठा दिया तो टैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने इसमें प्रिकॉल का ही निकाला था, और प्रिकॉल का ही मैं इसमें लगा चुका हूँ। ये हमें निकालना है, और बशर्ते आप ये भी ध्यान रखें कि उस समय फ्यूल इसके अंदर होना चाहिए। फ्यूल उसके अंदर अभी इतना है, इतना फ्यूल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर फ्यूल भी होना चाहिए उस समय जिस समय आप पंप लगाए। कभी पता लग रहा है कि फ्यूल कम है और आप सोच रहे हो कि फ्यूल नहीं उठा रहा है, तो मैं अब इसकी चाबी ऑन करके देखता हूँ कि अब फ्यूल उठाता है कि नहीं। उठा दिया है दोस्तों इसने। इसमें टैब की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि प्रिकॉल की ही इश्यू के अंदर सेटिंग हुई हुई है, इसलिए इसने रिफ्रेशिंग नहीं मांगी है। अगर मैं इसमें दूसरी कंपनी का पंप लगाता तो उसमें ये 100% रिफ्रेशिंग मांगता। और दोस्तों, टैब में नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में मैं आपको टैब लगा के दिखाऊंगा 100%, और बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा टैब के ऊपर।
तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक और चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें, इसके अंदर आप देख सकते हो दो तारे हैं, दो वायर है इसके अंदर। लेकिन आप फ्यूल पंप दूसरा लोगे या कंपनी से जो लगा हुआ आएगा तो आप कंफ्यूज हो मत हो जाना उसमें। जो मेरे पास में कॉन्टिनेंटल का फ्यूल पंप है, इसमें चार वायर का लगा हुआ है, लेकिन लगती दो वायर है, दो ही वायर काम करती है इसमें। दो इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये भी नीचे भी आप देख सकते हो, दो ही तार लगी हुई है, दो खाली है। तो कहीं आपको ये ना लगे कि इसमें चार है और उसमें दो आ गया, उससे कन्फ्यूज़न में ना पड़े आप। तो इसलिए दो वायर का अगर आपको मिल रहा है तो दो ही वायर का लेके आप लगा सकते हो।